न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में इस वक्त की बड़ी खबर, 15 अप्रैल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को इलीगल गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहाई की मांग की थी। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई है, जो दाखिल की गई अर्जी, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। गिरफ्तारी को एक तरह से चैलेंज किया था, रिमांड को एक तरह से चैलेंज किया था और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा 15 अप्रैल को। यानी ये एकमात्र जो रे ऑफ होप है वो सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को, इसके लिए बाकायदा उनकी तरफ से अर्जी लगाई गई थी। विक्रांत यादव मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या अपडेट, अब 15 अप्रैल को होनी है सुनवाई? देखिए बिल्कुल पंकज, जो दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट की जो कंप्यूटर जनित सामने आई है स्लिप, उसमें ये साफ लिखा है कि 15 तारीख को इस मामले की सुनवाई हो सकती है, लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि सीएम ने कल इस मामले की सीएम की तरफ से मेंशनिंग की गई थी चीफ जस्टिस की कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि आप इस मामले में मेल कर दीजिए। अभिषेक मनु सिंह भी जो सीएम के वकील थे, उन्होंने कहा था कि मेल कर दिया है, तभी चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो इस मामले को देखेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कल इस, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विक्रांत यादव आपका। और मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजकुमार आनंद के पद और पार्टी छोड़ने के बाद से सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। माना जा रहा है कि अपने मंत्री के इस्तीफे और उनके अनुसूचित जाति की अनदेखी करने के आरोपों से बचाव कर पाना आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से राजकुमार के इस्तीफे के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डर के आरोप सबसे पहला है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार हो रहा है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की है। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा, 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। पूरी की पूरी बीजेपी कह रही थी, सारा केंद्रीय नेतृत्व, इनके बड़े बड़े नेता, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं ये पूरी दुनिया देखेगी। सरकार के एक मंत्री जो दलित समाज से आते हैं राजकुमार आनंद, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर, कुपित होकर, दुखित होकर इस्तीफा दिया। शायद उनके मंत्री भी अब देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एक आरोप पर लोगों से इस्तीफा मांगते थे, आज वो जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उनका दावा रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये कमाल हो गया, ईमानदारी की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल का भी ये हाल हो गया है। और राजकुमार आनंद के घर के बाहर से मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, कल तो जो बातें इस्तीफे के बाद और पार्टी की सदस्यता जब छोड़ी थी राजकुमार आनंद ने वो कही थी, आज क्या बोलेंगे उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन कल सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया था, अब संजय सिंह का भी बयान सामने आ रहा है, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ईडी का डर है राजकुमार आनंद पर और ये सब कुछ, इन सबके पीछे बीजेपी का हाथ है। 5 महीने पहले छापे पड़े थे, ईडी ने लंबी पूछताछ की थी, 23 घंटे तक छापेमारी चली थी। जी बिल्कुल पंकज, और आज की अगर बात करें तो राजकुमार आनंद आज मीडिया के सामने आ ही नहीं रहे हैं, फोन कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे हैं, घर उनका बंद पड़ा हुआ, उनके घर के ठीक सामने इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और लगातार अगर कल की बात करें तो कल तकरीबन 3:15 बजे राजकुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पार्टी सरकार दोनों को छोड़ा था और उससे ठीक 1 घंटे पहले ही उन्होंने अपने पार्टी के नेता संजय सिंह का वीडियो भी ट्वीट किया था। यानी कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही इतना फर्क आ गया कि 1 घंटे बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। लगातार
आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि जो ईडी की रेड पड़ी थी, जहां पर 23 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, रेड की थी, उसका ये असर है कि वो डरा कर केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी जो कार्रवाई कर रही है, इस वजह से रेजिग्नेशन हुआ है। और बीजेपी का लगातार कहना है कि जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से राजकुमार आनंद ने बोला है कि भ्रष्टाचारी ये पार्टी है, जिस तरीके से हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी ये कहा गया है कि संलिप्तता दिख रही है अरविंद केजरीवाल की, उस वजह से ये छोड़ा है और धीरे धीरे सभी पार्टी छोड़ते जाएंगे, ये इस तरीके की बातें बीजेपी की तरफ से सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल ताजा स्टेटस ये है पंकज कि आज राजकुमार आनंद मीडिया से दूर भाग रहे हैं, किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। सुबह से हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं, वो घर के अंदर हैं या नहीं इस तक की जानकारी भी बाहर नहीं मिल पा रही है। और कल अपने तेज तरार बयानों के बाद अब राजकुमार आनंद ने मीडिया से तो जरूर दूरी बना ली है। पंकज चलिए अब देखना होगा, हालांकि आज मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा क्या बोलते हैं राजकुमार आनंद उस पर सबकी नजर रहेगी। वैसे आपको बता दें, राजकुमार आनंद पार्टी और अपने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने पार्टी